डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजीनेट प्रो पे। दोस्तों आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको 12 ऐसे कीवर्ड बताने वाले हैं जिनको करके आप पहली बार में ही अपना नेट और GRF निकाल सकते हैं। और इस दौरान दोस्तों आपको 12 ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो हर बार 2012 से लेकर 2023 तक एग्जाम में आए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आपको विद ग्राफ सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं। और दोस्तों इससे रिलेटेड हमने पहले भी दो वीडियोस बनाई हैं, वो वीडियोस और मैं आपको दिखा देता हूं। अगर दोस्तों ने वो वीडियोस नहीं देखे तो वो वीडियो आप जरूर देखना, लिंक आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक वीडियो बनाई थी दोस्तों हमने, गारंटी से कह रहा हूं, रिसर्च में 10 कीवर्ड पहली बार में दिलाएंगे नेट और GRF। और ये कीवर्ड भी दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2023 तक हर बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ एक और वीडियो बनाई थी दोस्तों हमने, रिसर्च एप्टीट्यूड में बस ये 5 कीवर्ड देख लो, पेपर एक में 10 नंबर पक्के। और दोस्तों इसमें भी हमने जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आते हैं, वो सारे के सारे हमने बताए हुए हैं। और विद कीवर्ड आपको बस छोटे छोटे शब्द याद रखने की जरूरत है, उससे आप पूरा का पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत से क्वेश्चन आज होने वाले हैं, बहुत से टॉपिक आपके आज क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों रियली बता रहा हूँ, आज की जो ये वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। और हाँ, एक और आप लोगों से मेरे को शिकायत है, आप सभी दोस्त वीडियो को देखते हैं, उसको लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब जरूर करना भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत से दोस्त केवल वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों अगर आपको इस क्लास के स्टडी नोट्स चाहिए तो आप हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हैप्पी रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है, इसमें आप 750 रुपये वाला कोर्स केवल 500 रुपये में खरीद सकते हैं। इसमें आपको क्या मिलेगा दोस्तों, आपको कंप्लीट स्टडी करवाई जाएगी पेपर फर्स्ट की। इसमें आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश के अंदर। नंबर दो में दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट एड फ्री वीडियोज मिलेंगी। नंबर तीन पे 2012 से लेकर 2021 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। नंबर चार पे दोस्तों 2012 से लेकर 2021 तक टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे। जैसे आज तक जो भी क्वेश्चन हमारे रिसर्च के आपके वो लगे, ICT के लगे, कम्युनिकेशन के लगे, ऑल 10 यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे हिंदी इंग्लिश। और प्लस में आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अलग अलग मिलेंगे, जैसे कि रिसर्च में टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ सैंपलिंग, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, इस तरह से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग अलग मिलेंगे। और मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में आपको बताया जाएगा नोट्स और वीडियोस के जरिए। और आपका ऐप में लाइव मॉक टेस्ट होगा और लाइव क्लास होगी दोस्तों हमारी। इस लाइव क्लास में आपको क्लास होगी लाइव, लेकिन फीलिंग आपको ऑफलाइन वाली आने वाली है। तो दोस्तों इस क्लास को आप जरूर ज्वाइन करना, इस पेड कोर्स को। अभी हमारा हैप्पी रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है, 750 रुपये वाला कोर्स केवल 500 रुपये में खरीद सकते हैं। लिंक आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप हमें व्हाट्सअप नंबर 8708321010 पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। और सबसे पहले इसको हम ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद में इससे रिलेटेड हमारे जो भी क्वेश्चन आए उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे, और जो चीज़ हमारी रिपीट हो रही है बार बार उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा जी। तो देखिए, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हमारा काफी तरह का हो सकता है। इसके अंदर इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ट्रांसपर्सनल, अलग अलग तरह का हमारा कम्युनिकेशन हो सकता है। और इनको आप पिक्चर के जरिए समझने की कोशिश करना, और आगे के लिए भी आप इनको ऐसे ही याद रखना जी। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, विद इन एंड इंडिविजुअल। इसके अंदर जो व्यक्ति है अपने आप से बातचीत करता है, अपने ख्यालों में रहता है, जैसे कि यार कल तो मैं वहाँ पे नहीं जा पाऊँगा, मेरे को वहाँ जाना है। अपने आप से जब बातें करते हैं हम, तो वहाँ पे क्या होता है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हमारा वहाँ पे होता है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे दो या दो से अधिक लोग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इनका जो रिलेशनशिप है वो क्लोज रिलेशनशिप होता है, और ये पर्सनल बातें करते हैं यहाँ पे। ये नहीं है कि कोई पब्लिकली बातें नहीं करते हैं, सीक्रेट बात हम कह सकते हैं यहाँ पे, तो कुछ पर्सनल बात होती है यहाँ पे। इनका रिलेशनशिप काफ़ी क्लोज हो सकता है जी। तो यहाँ दो या तीन लोग यहाँ पे हो सकते हैं। और अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकती है, कई बार एग्जाम में दोस्तों को कंफ्यूज करती है, कि जैसे यहाँ पे इंट्रापर्सनल है और ये इंटरपर्सनल है। आप एग्जाम में सोचेंगे कि
खुद से बातें करता है उसको यार इंटरपर्सनल कहते हैं या फिर इंट्रापर्सनल कहते हैं, क्या कहते हैं यार, भूल गए, याद तो था, ऐसे करेंगे आप, है ना। तो इसका मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, ये देखिए INTRA, ये देखिए इसको ए को समझिए, ए के अंदर क्या होता है, ए हमारा कितने नंबर नंबर पर आता है, एक नंबर पर आता है, ठीक है। तो इंट्रा के अंदर ए हो गया, ए एक नंबर पर आता है, तो इसमें क्या है, व्यक्ति अपने आप से एक ही व्यक्ति होता है बात करने वाला। और INTE ये देखिए, ये यहाँ पे क्या आ गया, ई आ गया। ई क्या है, ई के अंदर चार, ये कितने पे आता है, पांच आता है ना, तो ये क्या है, एक से ज्यादा हो गए। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर एक से ज्यादा व्यक्ति होते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, बट वो पर्सनली बातें करते हैं जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी ट्रिक काम आएगी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन की, बात करते हैं। देखिए इसके अंदर क्या होता है, व्यक्ति जो है वो भगवान से बातें करने की कोशिश करता है, मतलब कोशिश करता है, उसको ऐसा लगता है कि मैं भगवान से बातें कर रहा हूँ। वो आँखें बंद करके उनका ध्यान मगन करता है, उनका नाम लेता है और साधना करता है। तो इस तरह की जो एक्टिविटी करता है तो वो किसके अंदर आती है दोस्तों, हमारी ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर आती है। और उसके बाद में दोस्तों हमारा स्मॉल ग्रुप, स्मॉल ग्रुप के अंदर क्या होता है दोस्तों, एक कुछ लोग होते हैं, 5-10 लोग होते हैं, वो बैठ के वहां पे एक दूसरे से बातचीत करते हैं। देखिए ग्रुप का मतलब क्या होता है, अब ये कई दोस्त कहेंगे कि सर इसमें 5 लोग होते हैं, 10 होते हैं, 15 होते हैं, कितने लोग होते हैं। देखिए इसमें इतने लोग होते हैं कि वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन कर सके, एक दूसरे से बोल सके। अब मान के चलिए हमारे एक हॉल के अंदर 200 लोग हैं, तो क्या 200 लोग एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं क्या, तो वहां पे थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। और जबकि हमारे पास अगर 20 लोग होंगे तो वो अच्छे से बातचीत कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंटरेक्शन होना जरूरी है और ये एक ग्रुप के अंदर होता है, छोटा समूह होता है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों पब्लिक कम्युनिकेशन की बात करते हैं। इसके अंदर क्या होती है, हमारी पब्लिक होती है, काफ़ी लोग यहाँ पे होते हैं, उनसे हम इंटरेक्शन करने की कोशिश करते हैं, उनसे हम बात करते हैं। उसके बाद में दोस्तों हमारा मास कम्युनिकेशन, मैसेज टू लार्ज ऑडियंस, इसके अंदर हम मैसेज करते हैं, हजारों करोड़ों की संख्या में भी लोग हो सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं ना, तो वहाँ पे एक साथ करोड़ों लोगों को सुनाई देता है जी। तो यहाँ पे जो इंटरेक्शन है वो कम होता है, यहाँ पे हम एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते, यहाँ पे वन वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है। हमने इंफॉर्मेशन दे दी, फीडबैक कब आएगा नहीं पता इसके बारे में जी। तो इसके अंदर जो ऑडियंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आई होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तरह के कम्युनिकेशन आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों। ये टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हमारे वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप है। वर्बल का मतलब है जहाँ पे शब्दों का यूज किया जाता है जी। तो अभी हम बात करते हैं दोस्तों टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जहाँ पे हम शब्दों का उपयोग नहीं करते, बिना शब्दों के हम कम्युनिकेशन किस तरह से करते हैं और उसके कितने टाइप होते हैं वो हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले आता है दोस्तों हमारा फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस के अंदर क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक व्यक्ति है, अब ये व्यक्ति देखिए यहाँ पे आपको इसमें कॉन्फिडेंस कम नजर आएगा, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये सहमा हुआ, ये डरा हुआ है, लेकिन ये व्यक्ति ये लग रहा है कि इसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। अब देखिए ये व्यक्ति यहाँ पे कुछ बोल नहीं रहा है, ये फिजिकल अपीयरेंस, ये किस तरह से वहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है, इससे इसके कम्युनिकेशन के बारे में पता चल रहा है कि ये व्यक्ति डरा हुआ है या खुश है या कैसे है जी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड हमारे काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं जी। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, हम जो आवाज़ है, आवाज़ के उतार चढ़ाव की बात करते हैं, जैसे कई बार धीरे से बोलते हैं, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बात करते हैं ना, ओए जान तो सॉरी यार, तो इस तरीके से बहुत ही धीरे से बात करते हैं। और अगर हमें घर में किसी को कहना ओए, ऐसे कहते हैं ना ओए, तो वहाँ पे हम जोर से बोलते हैं, वहाँ पे जो वॉइस है हमारी वो तेज़ होगी, लेकिन जब गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं तो अलग टोन में हम बात करेंगे जी। तो वहाँ यहाँ पे जो आवाज़ है, आवाज़ का उतार चढ़ाव कितना है, उसमें चीख रहे हैं या नहीं चीख रहे, कैसे है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर बातें होती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे शब्द हैं, ये इनको किस तरीके से बोल रहे हैं, धीरे से बोल रहे हैं, है ना, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं पैरा लैंग्वेज के अंदर। और आगे बात करते हैं दोस्तों बॉडी मूवमेंट की बात करते हैं, और बॉडी मूवमेंट को दोस्तों काइनेसिस कम्युनिकेशन भी कहते हैं जी। बॉडी मूवमेंट के अंदर क्या होता है कि हम उसकी बॉडी की मूवमेंट देख के हम बता सकते हैं कि ये व्यक्ति किस तरह का कम्युनिकेशन कर रहा है। अब ये देखिए ये व्यक्ति यहाँ पे क्या है,
इस तरीके से इसकी यहाँ पे जो बॉडी लैंग्वेज है वो अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, और ये तीनों की तीनों अलग अलग कम्युनिकेशन कर रही है जी। ये देखिए, इसमें लग रहा है कि ओहो यार मेरे से तो गलती होगी यार, गलती होगी, ऐसे कर रहा है ना यहाँ पे, यार अब क्या करूँ, अब ये यहाँ पे डर गया जी। अब इसे यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन मिल गया जी। तो इस तरह से इनकी बॉडी लैंग्वेज को देख के हम बता सकते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, पोस्चर की बात करते हैं कि किस पोस्चर में हम बैठे हैं। अब देखिए, कई बार जो इंटरव्यू हमारा लेता है कोई भी व्यक्ति, तो हमारे बैठने के तरीके को देख के ही वो बता देता कि हम उस जॉब के काबिल है या नहीं है जी। तो हमारे बैठने का तरीका अलग अलग हो सकता है। आगे गेस्चर, गेस्चर भी हम किस तरीके से खड़े हो रहे हैं और किस स्टाइल में हम हाथ को हिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं जी। ये जो चीज़ें दोस्तों, ये कुछ कुछ एक दूसरे से रिलेटेड ही है। आगे करते हैं दोस्तों आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट को हम ऑक्यूलेसिस कम्युनिकेशन भी कहते हैं। अच्छा, ये चीज़ यहाँ पे मैंने आपको दो दो बताया ना, यहाँ पे देखिए ये येल्लो कलर में है और ये वाइट कलर में, ये दो नाम है एक ही कम्युनिकेशन के। तो इन दोनों को आप ध्यान में रखना, क्योंकि एग्जाम के अंदर कई बार क्या है कि आई कॉन्टैक्ट पूछ ले और कई बार ऑक्यूलेसिस कम्युनिकेशन पूछ लेंगे क्या होता है जी। तो इसके अंदर क्या होता है, जब हम आई कॉन्टैक्ट करके बातचीत करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि अगला व्यक्ति या हम अगले में इंटरेस्टेड है बात करने में। कई बार आपने देखा होगा लोगों को कि वो बात तो करते हैं बट नज़रें नहीं मिलाते, नज़रें नहीं मिलाते, तो इसका मतलब होता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है बात करने में जी। आई कॉन्टैक्ट से हमें पता चल जाता है। और कई बार व्यक्ति जब गलती करता है तो वो क्या है, नज़रें चुराता है ना जी। तो आई कॉन्टैक्ट हमारे बारे में बहुत कुछ बता देता है। उसके बाद है दोस्तों फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन से भी अगर कोई इरिटेटिव इंसान होगा तो हमें पता चल जाएगा उसका जो चेहरा है, चेहरा उसके बारे में बता देगा कि आज ये थोड़ा गुस्से में, आज कुछ ना कुछ गड़बड़ है जी। अगर कोई मायूस होगा, बिल्कुल से रोनी सिस्कल बना रखी होगी उसने, तो हम देखेंगे कि इसके साथ आज कुछ ना कुछ गलत घटित हुआ है जी। तो हमारा फेस है वो बहुत कुछ बताता है। आगे और भी टाइप है हमारे, टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये सारे के सारे देखना दोस्तों। इनसे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आए और मैं एक एक क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा इन ग्राफिक्स के ऊपर किस तरीके से डिपेंड है वो। आगे दोस्तों हमारा हैप्टिक्स। हैप्टिक्स के अंदर क्या होता है दोस्तों, टच। अब देखिए टच हमारा दो तरह का होता है, बच्चों को ये सिखाना चाहिए बहुत ज़रूरी, मैं पर्सनली बता रहा हूँ दोस्तों, आप अपने बच्चों को सिखाना कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। अब जो लड़कियाँ हैं ना, लड़कियाँ विद इन वन सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर बता देगी अगर कोई व्यक्ति गलत नियत से उसको टच कर रहा है जी। अगर कोई व्यक्ति गलत नियत से टच करेगा तो वो एक मिनट में बता देगी कि इसका इरादा जो है ना वो ठीक नहीं है। और जब माँ बाप अपने बच्चे को टच करते तो उनका जो स्पर्श होता है वो अलग होता है जी। तो इसे क्या कहते हैं, हैप्टिक्स कम्युनिकेशन कहते हैं जी। उसके बाद में है हमारा क्रोनमिक्स। क्रोनमिक्स होता है हमारा टाइम वेस्ट कम्युनिकेशन होता है। अब देखिए कोई व्यक्ति है जल्दी जल्दी काम कर रहा, भागा भागा जा रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि इसका जो है ना टाइम बहुत कम रहा है और इसको बहुत जल्दबाजी है, इसको ऑफिस में ही लेट हो गया है। कोई व्यक्ति जल्दी जल्दी काम कर रहा है, इसका क्या कम्युनिकेशन हुआ, वो लेट हो गया है उस काम के अंदर, लेट हो गया है। और एक ऑफिस में गए हैं हम, वहां पे बिल्कुल आराम से बैठे हैं और आराम से बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहे, बड़े सुस्ती से बैठे हैं, तो वहां पे पता चलेगा कि इनके ऊपर कोई प्रेशराइज नहीं है जी, और इनको कोई कहने वाला नहीं है। जैसे कई बार सरकारी चीज़ों में हम देखते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे वो क्या है कि वो एक कम्युनिकेशन हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ पे क्या चीज़ है जी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों ऑल्फैक्टिक्स। ऑल्फैक्टिक्स के अंदर क्या होता है, स्मेल होती है हमारी। तो जो हम गंध सूंघ के, गंध से हम बताएं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। अगर वहाँ पे मिठाई की खुशबू आ रही है, मिठाई की खुशबू आ रही है, तो हमें पता चल जाए यहाँ पे आज कोई ना कोई प्रोग्राम है ना जी। अगर चिकन की खुशबू आएगी तो पता चल जाएगी आज यहाँ पे कुछ ना कुछ नॉन वेज बन रहा है जी। तो ये अच्छा, इनसे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आए हैं दोस्तों, वो हम देखेंगे। अच्छा, एक और रह गया हमारा प्रोक्सीमिक्स। प्रोक्सीमिक्स स्पेस कम्युनिकेशन होता है दोस्तों। इसके अंदर क्या होता है कि हम किसी व्यक्ति के पास में कितना नज़दीक है, उससे भी हमें पता चलता है कि इनके बीच में क्या कम्युनिकेशन है, क्या रिलेशनशिप है। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जाके नहीं बैठ सकता। अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री जी के पास बैठा है तो हमें पता चल जाएगा कि इसका कोई मित्र हो सकता है या कुछ ज़्यादा जान पहचान है जी। आप इस ग्राफिक्स के अंदर देख सकते हैं दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये
ये देखिए, ये दो जने बैठे यहाँ पे, एक लड़का एक लड़की है, ठीक है, बिल्कुल पास पास में बैठे, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये प्रेमी प्रेमी प्रेमिका हो सकते हैं जी, तभी ये इतना क्लोज बैठे हैं। और आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ये देखिए, ये बच्चा है, ये इसका स्पेस अलग है, और यहाँ पे ये देखिए, एक व्यक्ति यहाँ पे, ये लड़का बैठा है और ये लड़की यहाँ पे बैठी है, इनके बीच में ये देखिए दूरी यहाँ पे इतनी है, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि ये नॉर्मल फ्रेंड है, ये ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप में नहीं है, इसलिए दूर दूर बैठे हैं जी। और यहाँ पे ये देखिए, ये व्यक्ति और ये जो साइकिल चला रहा है और ये लेडीज, ये देखिए, ये दोनों के दोनों काफ़ी दूरी पे है जी, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है और ये आम पब्लिक है जी। तो इस तरीके से जो हमारा स्पेस है, स्पेस हमारे बारे में बताता है कि हम उसके कितने क्लोज हैं। हम वहाँ पे कोई शब्द नहीं बोल रहा है, कोई बता नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम चीज़ों को समझ रहे हैं जी जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, और ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे रिलेटेड हमारे बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं जी। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, ये इसको समझना भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है ये जी। देखिए, ये हम जो हमारी संस्था होती है उसके अंदर किस तरह का कम्युनिकेशन होता है उस पर हम बात कर रहे हैं। ये मान के चलते कि ये हमारा बॉस है, किसी भी संस्था के अंदर ये बॉस है, काम कर रहा है। इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर ये कर्मचारी है, ये कर्मचारी है, ये भी कर्मचारी है, यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेनली जो है, एक तो होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर दोस्तों हम टू द पॉइंट बात करेंगे, कोई हंसी मजाक नहीं करेंगे, कोई फालतू की बात नहीं करेंगे, कोई बहसबाजी नहीं करेंगे, उसके अंदर टू द पॉइंट बात करेंगे। ये देखिए, दो कर्मचारी है आपस में बात कर रहे हैं और कोई मीटिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि हमारे कंपनी में क्या होना चाहिए, आगे नई गाड़ी आ रही है उसका क्या प्राइस रखना चाहिए, इस तरीके से ये टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। जहाँ पे टू द पॉइंट सीरियस बात हो वहाँ पे हम क्या होगा, हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा जी। और इसके अंदर हम जैसे एक बच्चा है प्रिंसिपल से बात करता है तो टू द पॉइंट बात करेगा, तो वहां पे क्या होगा, हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, जहाँ पे हमारा हंसी मजाक होता है, जहाँ पे हम एक दूसरे की खिंचाई करते हैं, है ना, कुछ बुरा भला भी कह देते हैं, लड़ाई भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये दोस्त है, दो दोस्त है आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा जी। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर एक और होता है हमारा ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड हमारे काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। देखिए, ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, चुगली चाटी होती है, एक दूसरे की जो बात है कहीं से शुरू हुई, पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगी जी। तो ग्रेपवाइन, ग्रेपवाइन क्या होता है, हमारा अंगूर होता है ना। जैसे मान के चलिए, इस व्यक्ति के पास इन्फॉर्मेशन आई, इसने इस व्यक्ति को दी, इसने फिर इस व्यक्ति को दे दी, ठीक है, इसने फिर इस व्यक्ति को दे दी, और इसने फिर इसको भी दी थी, इसने फिर आगे इसको दे दी, इसने फिर इसको दे दी, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, हमारा ये अंगूर का एक गुच्छा बन गया जी, ये अंगूर का गुच्छा बन गया जी, इसलिए हम इसको ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें पता नहीं चलता कि इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या है, और इसके अंदर चुगली चाटी होती है, कई तरह की चीज़ें इसके अंदर होती है जी। तो ये थोड़ा सा समझाने का तरीका है मेरा, कोई बुरा मत मानना जी। तो इसके अंदर कम्युनिकेशन का पता नहीं चलता, और इसके अंदर कोई टू द पॉइंट बात नहीं होती, कोई काम की बात नहीं होती जी, हंसी मजाक, लड़ाई झगड़े, ऐसे वैसे, मेरी सास ने ये कह दिया, मेरी बहू तो बड़ी बेकार है यार, मेरी सास तो बड़ी बहुत बेकार, इस तरह की बातें हो सकती है जी, माफ़ी चाहूँगा मैं। चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन हमारा कितने तरह का हो सकता है, 1 2 3 4 अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल कम्युनिकेशन। अब इसको एक छोटी सी स्टोरी के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। ये एम्प्लॉय है, यहाँ पे कर्मचारी काम करते हैं, सफाई कर्मचारी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कह रहे कि हमारी जो सैलरी है वो बढ़नी चाहिए, हम इतने साल, 5 साल हो गए हमें काम करते हुए, लेकिन हमारी सैलरी है 10,000 पे टिकी हुई है, उससे ज़्यादा कोई बढ़ा ही नहीं रहे हैं, ठीक है। इन्होंने ये मैसेज क्या है अपने जो इनका मैनेजर है, मैनेजर को यहाँ पे इन्होंने ये मैसेज दिया। अब इस मैनेजर ने इस इनकी डिमांड को ऊपर बॉस को दे दी जी। तो स्टेप बाई स्टेप जब हम अपना संदेश ऊपर पहुँचाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, अपवर्ड कम्युनिकेशन कहेंगे
जी, तो अब इस बॉस ने कहा भाई अभी हम जो है ना आपकी सैलरी नहीं बढ़ा रहे, जी अभी नहीं बढ़ा रहे, और 10,000 में आप अपना काम चला लीजिए। तो ये इस बॉस ने ये इन्फॉर्मेशन इस मैनेजर को दी यहाँ पे, और इस मैनेजर ने फिर इसको नीचे जो कर्मचारी थे उनको दे दी, भाई आपकी जो सैलरी अभी नहीं बढ़ने वाली, भाई 10,000 में गुजारा चलाओ आप लोग। जी, तो ये जब ऊपर से इन्फॉर्मेशन स्टेप बाई स्टेप नीचे आई तो उसे हम क्या कहेंगे, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहेंगे। जी अच्छा, अब आता है हमारा दोस्तों हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन आता है। अब इन सभी सफाई कर्मचारियों ने क्या किया, ये एक ही पोजीशन के थे, केवल सफाई कर्मचारी एक पोजीशन के इक्वल पोजीशन है इन लोगों की, ठीक है, इनका जो पद है ना पद इक्वल है। तो इन लोगों ने एक दूसरे से बातचीत की, इन्होंने कमेटी बैठाई, जी इन्होंने कोई मीटिंग बनाई और उसमें कहा कि यार ऐसे तो बॉस मान नहीं रहा, उसका तो कोई ना कोई जुगाड़ करना पड़ेगा, हमें आंदोलन करना पड़ेगा और ऐसे हमारी मांगे पूरी होगी। जी इन्होंने पूरा संगठन बना लिया। और ये देखिए हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है, एक पद के एक समान इक्वल पद के लोग होते हैं, वो एक दूसरे से बातचीत जब करते हैं तो वहां पे हमारा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है। इसके अंदर जो स्टूडेंट है स्टूडेंट से बातचीत कर सकते हैं, 10 स्टूडेंट आपस में बातचीत कर रहे हैं तो वो हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो गया है ना। 10 हमारे यहाँ पे क्लर्क भी हो सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। जी तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन समझ में आ गया यहाँ पे। जी इन्होंने क्या है कि यहाँ पे मीटिंग बैठा ली और इन्होंने कहा कि अब हम आंदोलन करेंगे। जी तो अब क्या हुआ, इस बॉस को भनक लग गई, भाई आज ना तुम्हारी खटिया खड़ी होने वाली, आंदोलन होने वाला है संस्था के अंदर। तो इसने कहा कि टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं पहले मैनेजर को कहूँ फिर उसको कहूँ फिर उसको कहूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो सीधा टू द डायरेक्ट बात करूँगा। फिर इसने सीधा डायरेक्ट इनको बोला कि लो भाई चलो ठीक है, आप 10,000 बढ़ाने के लिए बोल रहे थे, भाई सैलरी 10,000 से बढ़ा दो, तो इन्होंने इसकी सैलरी जो है 15,000 कर दी और इन्होंने डायरेक्ट इनसे बात कर ली डायरेक्ट आके, ठीक है। बीच में जो मैनेजर है मैनेजर का रोल इन्होंने कट कर दिया, डायरेक्ट इनसे बात कर ली। तो डायरेक्ट जब बात हुई तो वहां पे क्या हो गया, हमारा डायगनल कम्युनिकेशन हो गया। अब देखो डायरेक्ट और डायगनल, डे 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 आ रहा है ना, डे डायरेक्ट डायरेक्ट और डायगनल। जी तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, डायगनल कम्युनिकेशन के अंदर हम सीधा बातचीत करते हैं, बीच के जो स्टेप होते हैं उनको हम कट कर देते हैं। जी तो दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी मैं उम्मीद करता हूँ, है ना। जी जिस जिसको ये चीज़ें समझ में आई है वो कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए, वो लिखिए आपको कैसी वीडियो लगी है। जी तो दोस्तों अब हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सभी क्वेश्चन करें। आर यू रेडी, क्या आप सभी तैयार हैं कुटाई के लिए? जी कुटाई करूँगा यार, सच्ची बता रहा हूँ, मैं तोड़ूंगा वो तुम्हें अगर आपने क्वेश्चन गलत कर दिए तो। जी माफी चाहूँगा दोस्तों, मजाक कर रहा हूँ यार। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, आत्माओं और पूर्वजों से बातचीत करने को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों बताओ, इसका राइट आंसर दो। अभी मैंने आपको बताया था ऊपर और आप देखिए क्या मैंने इसका आंसर दिया था। जी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, 1, 2, 3, 4 क्या होगा इसका राइट आंसर? जी कॉमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर लिखिए और जो दोस्त आंसर लिखेगा उसे मैं लड्डू खिलाऊंगा। जी चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कैन आल्सो बी इक्विलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो किसके इक्विलेट होता है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल या फिर ग्रुप कम्युनिकेशन या फिर मास कम्युनिकेशन, क्या होगा इसका राइट आंसर? जी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ग्रुप कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि संस्था के अंदर कम लोग हो सकते हैं तो ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम लोग होते हैं उनके बीच में इंटरेक्शन होता है, वो कभी ना कभी मिलते रहते हैं एक दूसरे से। जी मास कम्युनिकेशन के अंदर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन हो, बहुत ज़्यादा संख्या यहाँ पे हो सकती है। जी आगे हम बात करते हैं दोस्तों, मीन्स ऑफ ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, और ये बताओ इसका राइट आंसर दो जल्दी से कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का और कमेंट बॉक्स में लिखिए फॉर्मल या इनफॉर्मल, क्या होगा इसका राइट आंसर, या फिर क्रिटिकल होगा या फिर कॉरपोरेट, क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से लिखो जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से हमारे क्वेश्चन एग्जाम में बार 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 रिपीट हो रहे हैं। जी आगे हम बात करते हैं दोस्तों, द मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व ए सिंगल सोर्स ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन टू ए लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर, ये देखिए एक सिंगल सोर्स से जब लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर तक इन्फॉर्मेशन जाती एक साथ तो वहाँ पे किस तरह का कम्युनिकेशन
होता है, कैसा होता है बताओ। ग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल या फिर इंटरपर्सनल, क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए जी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, फॉर्मल कम्युनिकेशन टेंड टू बी फास्ट एंड फ्लेक्सिबल जी। फॉर्मल कम्युनिकेशन हमारा वो क्या होना चाहिए? त्वरित और लचीला होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताओ? फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर हम टू द पॉइंट बात करते हैं, कोई फालतू की बात नहीं करते जी, तो वो हमारा लचीला नहीं हो सकता। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज ए सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली फॉलो ऑफ इन्फॉर्मेशन जी। ये बात इसकी बिल्कुल सही है, ये हम पीछे पढ़ के आए हैं जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए और बी हमारे दोनों के दोनों सही है। देखिए सॉरी जो हाँ ये देखिए, फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए जी। राइट आंसर इसका फोर होगा, यानी कि ए जो है वो फॉल्स हो जाएगा और जो आर है वो हमारा सही हो जाएगा जी दोस्तों। वेरी गुड दोस्तों। चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों, द ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन इज आल्सो नोन एज। अब ये देखिए, ये हमारा कब आया? दिसंबर 2015 में क्वेश्चन आया है और यही क्वेश्चन हम ऊपर भी करके आए हैं। ये देखिए, ये है हमारा यहाँ पे मीन्स ऑफ ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन, और ये देखिए सितंबर 2013 में भी ये क्वेश्चन आया है जी। आगे भी इस क्वेश्चन के आने की संभावना है जी। तो आगे हम बात करते हैं दोस्तों, और हमारे क्वेश्चन है जी, एटीट्यूड एक्शन अपीयरेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन आर कंसाइडर एज। अब देखिए, जहाँ पे हम एटीट्यूड की बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं, अपीयरेंस की बात करें, अपीयरेंस हमने बात की ना जी, तो वहाँ पे किस तरह का कम्युनिकेशन होगा? ये देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन शाब्दिक होगा या अशाब्दिक होगा बताओ? इसका राइट आंसर दो जल्दी से कमेंट बॉक्स में, इसका राइट आंसर दीजिए दोस्तों। इसका आंसर बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का जी। चलिए आगे हम करते हैं दोस्तों, इमेजिन यू आर वर्किंग इन एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट वेयर पीपल आर ऑफ इक्वल स्टेटस। अब देखिए किसकी बात आ रही है यहाँ पे, इक्वल स्टेटस की बात आ रही है, उनका स्टेटस इक्वल है। जहाँ पे इक्वल होगा वहाँ पे हमारा किस तरह का कम्युनिकेशन होगा? हमने बताया था ना, वो कर्मचारी है, कर्मचारियों ने सभी ने मिल के मीटिंग बैठाई कि हमारा जो बॉस है हमारी सैलरी नहीं बढ़ा रहा, वहाँ पे इक्वल स्टेटस था उन सभी का जी। तो वहाँ पे क्या होगा हमारा? हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन होगा दोस्तों। वेरी गुड दोस्तों, शाबाश। और देखिए, वर्टिकल के अंदर क्या होता है? ऊपर से नीचे जी, वर्टिकल के अंदर ऊपर से कम्युनिकेशन आया, नीचे, नीचे से गया फिर ऊपर जी, ऊपर से नीचे तक इसमें कम्युनिकेशन होता है जी। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताता हूँ। देखिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज कंसाइडर एज, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को हम किस तरीके से कह सकते हैं? ये हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा दोस्तों जी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, देखिए, आइडेंटिफाई द टेक्निकल टर्म यूज टू डिस्क्राइब बॉडी लैंग्वेज। ये आप देखिए, बॉडी लैंग्वेज को डिफाइन करने के लिए हम किस तरह की टेक्निकल टर्म्स का यूज करते हैं? प्रॉक्सिमिक्स का, क्रोनिमिक्स का, काइनेसिस का या हैप्टिक्स का? बताओ भाई, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? बताओ इसका क्या होगा? मैंने आपको बताया था जी। चलिए इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, काइनेसिस होगा इसका राइट आंसर। देखिए, ऑप्शन नंबर 3 है इसका राइट आंसर। ये देखिए, बॉडी लैंग्वेज की बात हो रही है और ये हमने किया था ना यहाँ पे, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा, ये देखिए बॉडी मूवमेंट। और मैंने आपको बोला था ना कि आप दोनों शब्दों को याद रखना जी, किसका क्या मतलब है जी, ठीक है? तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से दोस्तों आंसर को कर सकते हैं जी। एक मिनट रुकिए, मैं इनके आंसर हाइड कर लेता हूँ जी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, द कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पीपल हु आर सबॉर्डिनेट वर्किंग अंडर द सेम पर्सन एज एन एग्जाम्पल ऑफ। बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच संप्रेषण जो एक ही व्यक्ति के अधीन कार्य कर रहे हैं जी, इसका राइट आंसर क्या होगा? वही कर्मचारी वाली बात आ रही है जी, एक समान है वो सभी, तो इसका क्या आएगा? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों जी। तो इस तरह से बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं अगर आप एक ग्राफ को अच्छे से समझ लेते तो। और दोस्तों, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए ना, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, सभी स्टडी नोट्स चाहिए आपको, तो आप हमारी ऐप इमेज नेट ज़रूर डाउनलोड करना। और ये तो हमारी कम्युनिकेशन की हम वीडियो बना रहे हैं, इससे रिलेटेड हमने इसी तरीके की कीवर्ड्स की वीडियो हमने रिसर्च की भी बना रखी है, आईसीटी की बनाएंगे, टीचिंग की भी बनाएंगे, वो सारी की सारी वीडियोज़ हमारी ऐप में आपको मिल जाएंगी। और आगे जो जो नई वीडियोज़ हम बनाएंगे, जो जो चीजें आएगी, उन सभी की इंफॉर्मेशन आपको हमारी ऐप निमिज नेट में मिल जाएंगी। तो आप हमारी ऐप निमिज नेट, ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है निमिज नेट ऐप, जरूर डाउनलोड करना, लिंक आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा
जी, और आगे हम बात करते हैं दोस्तों इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्रोनमिक्स इज रेफर टू। क्रोनमिक्स का मतलब क्या होता है, इसका आंसर दो ही क्या होगा। और ये देखिए 4 दिसंबर 2021 को एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर। बताओ बताओ इसका राइट आंसर बताओ जल्दी से दोस्तों, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके आंसर का। जी तो क्या होगा इसका राइट आंसर, बताऊँ जी? टाइम नहीं होगा क्या? टाइम होगा इसका राइट आंसर, देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। जी इसका राइट आंसर, जी बिल्कुल सही कहा है दोस्तों, वाह भाई वाह, वेरी गुड दोस्तों, शाबाश। राइट आंसर इसका टाइम होगा भाई, क्रोनमिक्स को हम टाइम से भी रेफर करते हैं। वेरी गुड दोस्तों, और भी हम क्वेश्चन देखते हैं। बोर तो नहीं हो गए आप, बोर तो नहीं हो गए यार, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, ए लीव एप्लीकेशन फ्रॉम ए क्लर्क टू प्रिंसिपल, क्लर्क से प्रिंसिपल के पास में एप्लीकेशन जाती है, तो वहाँ पे किस तरह का हमारा कम्युनिकेशन होगा, बताओ भाई बताओ किस तरह का। ये देखिए ऊपर की तरफ चीज़ें जा रही है ना जी, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, अपवर्ड कम्युनिकेशन। जी बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, जी बिल्कुल सही है दोस्तों, राइट आंसर इसका ऑप्शन टू होगा। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, श्याबाश भाई श्याबाश। जी चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ये देखिए ये आगे हमारा पैरा लैंग्वेज, विच ऑफ द फॉलोइंग द पैरा लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन। अब देखिए पैरा लैंग्वेज के अंदर किसकी बात की थी हमने, पैरा लैंग्वेज के अंदर वो बताया था ना, गर्लफ्रेंड से बात करेंगे, हाय जानम कैसे हो, है ना, धीरे से बात करते हैं। और जब भाई से और बहन से बात करनी होती है, क्या है ओए इधरा, ऐसे बोलते हैं ना उनसे जी, तो वहाँ पे होता है हमारा पैरा लैंग्वेज। तो पैरा लैंग्वेज के अंदर क्या होता है हमारा, रेट एंड वॉल्यूम ऑफ स्पीच, ठीक है। और इसके अंदर ये देखिए पीच ऑफ द वॉइस, ये होगा इसका, ठीक है, एक तो ये हो जाएगा, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। और एक मिनट रुकिए, इसको लेते हैं जी। इंटरनल नॉइज नहीं होगी, एक्सटर्नल नॉइज नहीं होगी, यूज ऑफ पॉजेस, कहाँ पे हम रुक के बोल रहे हैं जी, और रेट एंड वॉल्यूम ऑफ स्पीच जी। तो आंसर इसका होगा ए डी और ई, ए डी ई, ए डी ई है, ऑप्शन 3 है। तो देखिए इसका राइट आंसर यही है क्या, वाओ क्या बात है यार, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है भाई, वेरी गुड भाई, वेरी गुड दोस्तों, शाबाश भाई शाबाश। जी तो दोस्तों मज़ा आ रहा है ना आप लोगों को हमारी क्लास के अंदर, और दोस्तों अगर मज़ा आ रहा है ना तो यार वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना। और आप लोगों से मुझे एक शिकायत है दोस्तों, आप हमारी हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं करते, बहुत से दोस्त जो वीडियो ज़रूर देखते लाइक भी करते लेकिन यार सब्सक्राइब नहीं करते, यार क्यों नहीं करते सब्सक्राइब, अभी जस्ट अभी रेड बटन दबाइए सब्सक्राइब का, और घंटे का बटन भी ज़रूर दबाना ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को आसानी से देख सकें जी। और अब ये देखिए ये क्वेश्चन फिर से आ गया है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैज़ द कंपोनेंट ऑफ पैरा लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज के अंदर हमारा क्या क्या होता है वो हमें बताना है जी। देखिए वॉइस, इम्फेसिस एंड इम्प्रेशंस जी, तो वही चीज़ें हैं इसके अंदर हमारी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से हमारे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सक्लूसिव एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर, अच्छा ये देखिए नॉन वर्बल क्यू दैट इंक्लूड द पीच, रेट, वॉल्यूम एंड यूज ऑफ पॉजेस। ये देखिए दोस्तों वही चीज़ आ गई ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, पैरा लैंग्वेज इसका राइट आंसर होगा। अच्छा एक चीज़ देखो यहाँ पे इन्होंने क्या पूछ लिया, यहाँ पे तो पूछा था कि पैरा लैंग्वेज होती क्या है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने पैरा लैंग्वेज सॉरी कहाँ पे ये रहा हमारा पैरा लैंग्वेज होती क्या है वो हमें बताना था। और ये कब आया हमारा, 18 दिसंबर 2018 को क्वेश्चन आया हुआ ये हमारा। और आगे यही क्वेश्चन हमारा देखिए, यहाँ पे इन्होंने ऊपर इसके जो करेक्टरिस्टिक्स है वो दे दी और नीचे पूछा है कि ये करेक्टरिस्टिक्स किसके अंदर होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा पैरा लैंग्वेज। और ये कब आया हमारा, 20 नवंबर 2021 को आया हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं लाइव प्रूफ आपको मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से हमारे क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके किस तरह से हमारे एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है जी। तो आ रहा है ना मज़ा दोस्तों, जी दोस्तों अगर आपको ये चाहिए, ये नोट्स चाहिए दोस्तों, तो आप हमारा पेड कोर्स ज़रूर ज्वाइन करना, उसके अंदर आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे और बहुत कुछ उसके अंदर आपको मिलने वाला है जी। और आगे हम बात करते हैं दोस्तों, वॉइस रेदर देन स्पीच आर नाउन एज, देखिए एस्पेक्ट्स ऑफ द वॉइस रेदर देन द स्पीच आर, ये देखिए किसके अंदर हम वॉइस की बात करते हैं, वॉइस की बात किसके अंदर करते हैं, बताओ 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 किसके अंदर करते हैं, पैरा लैंग्वेज के अंदर।
तो देख सकते हैं दोस्तों हमारे किस तरह से क्वेश्चन बार 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 रिपीट हो रहे हैं जी। तो ये था दोस्तों हमारा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से वीडियो। आपको ये वीडियो कैसे लगी इसके बारे में ज़रूर बता दोस्तों। अगर आपको इस क्लास के स्टडी नोट्स चाहिए तो आप हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हैप्पी रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है, इसमें आप 750 रुपये वाला कोर्स केवल 500 रुपये में खरीद सकते हैं। इसमें आपको क्या मिलेगा दोस्तों, आपको कंप्लीट स्टडी करवाई जाएगी पेपर फर्स्ट की। इसमें आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश के अंदर। नंबर दो में दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट एड फ्री वीडियोज मिलेंगी। नंबर तीन पे 2012 से लेकर 2021 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। नंबर चार पे दोस्तों 2012 से लेकर 2021 तक टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे। जैसे आज तक जो भी क्वेश्चन हमारे रिसर्च के आपके वो लगे, ICT के लगे, कम्युनिकेशन के लगे, ऑल 10 यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे हिंदी इंग्लिश। और प्लस में आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अलग अलग मिलेंगे, जैसे कि रिसर्च में टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ सैंपलिंग, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, इस तरह से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग अलग मिलेंगे। और मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में आपको बताया जाएगा नोट्स और वीडियोस के जरिए। और आपका ऐप में लाइव मॉक टेस्ट होगा और लाइव क्लास होगी दोस्तों हमारी। इस लाइव क्लास में आपको क्लास होगी लाइव, लेकिन फीलिंग आपको ऑफलाइन वाली आने वाली है। तो दोस्तों इस क्लास को आप जरूर ज्वाइन करना इस पेड कोर्स को। अभी हमारा हैप्पी रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है, 750 रुपये वाला कोर्स केवल 500 रुपये में खरीद सकते हैं। लिंक आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप हमें व्हाट्सअप नंबर 8708321010 पे भी मैसेज कर सकते हैं। आना भाई।